जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। आज बिंदास बहस में बात करेंगे प्रियंका के भगवा ज्ञान और मंत्र की। हमारे साथ बहस में भाग लेने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। सुरेंद्र जी, कल रात आधी रात को प्रियंका गांधी ने दुर्गा सप्तशती का मंत्र ट्वीट किया, इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैं उदाही समझ गया कि आज आप इसी टॉपिक पर बात करेंगे उनसे। वो जो उन्होंने मंत्र ट्वीट किया, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, दुर्गा सप्तशती का बड़ा पावरफुल मंत्र है। और वो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कल प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर थी जिसमें वो बताना चाहते थे कि उनके कार्यकर्ताओं को कितना परेशान किया गया। ठीक बात है। एक दारापुरी जो एक्स आईपीएस है, उनको बंद कर दिया गया, और तमाम जिस ढंग से पुलिस प्रताड़ित कर रही है लोगों को, उस पर उनका था मामला। ठीक है। फिर उसी बीच में उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो भगवा को लोग अपना कोई ट्रेडमार्क समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये हिंदू धर्म का एक प्रतीक है, ये किसी पार्टी का कोई झंडा नहीं है। तो जाहिर है अब बीजेपी वालों को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि आगे भगवा तो उनका होलसेल डीलरशिप का इंजाम है। तो उन्होंने कहा कि तुरंत ठीक है। तुरंत सीएम ऑफिस से बाद में उसका जवाब आया और डिप्टी सीएम ने भी उस पर रिएक्ट किया। ठीक है। देखिए, आपने ठीक कहा कि भगवा रंग किसी का ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन बीजेपी ने तो कभी कहा नहीं कि हम भगवा भक्त हैं। बस वो एक विचारधारा देखिए, मोहन भागवत जी ने जब कहा था कि हम सब 133 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो वहाँ भी भाव यही था जो प्रियंका गांधी ने कल कहा कि भगवा एक भावना है। तो हिंदू भाई, सिंधु के बगल का ये पूरा देश हिंदू कहलाया, पहचान है उसमें। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई सब हिंदू ही हैं। उसका भाव मोहन भागवत का यही था, और अब प्रियंका गांधी भी उसी भाव की बात कर रही हैं। देखिए, ये आपने माइन्यूट बात पकड़ी जी। लेकिन मोहन भागवत ने जो कहा जी, उसका भी पॉलिटिकल मतलब था बिल्कुल। और जो बाद में सीएम ऑफिस से रिप्लाई किया, सीएम ऑफिस ने क्या कहा कि भगवा उन्होंने तपस्या के लिए धारण कर किया है, और जो इस तपस्या को भंग करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी ने बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब दिया, तपस्या भंग किया जाए, दंडित किया जाए। तो दंडित शब्द को उन्होंने कहा कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। जब कोई यज्ञ करता है, कोई देवी उपासना करता है, उसमें ये मंत्र इस बात का होता है कि जो असुर ढंग की शक्तियां हैं उनको हम नष्ट करेंगे इस मंत्र से। ठीक बात है। और ये बहुत उन्होंने जिसने भी उनको सलाह दी, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रियंका को इसका पूरा अर्थ पता होगा, हाँ, या वो इसका उच्चारण सही सही कर पाएंगी, या इसको सही सही लिख पाएंगी। खैर, ये अलग मुद्दा, हाँ, है। भाव ये है कि जो आपने कहा कि दंडित, जो दंडित है तो फिर वो भी व्यापक शब्द है, हाँ। हर वो व्यक्ति जो संविधान के खिलाफ गैर कानूनी काम करता है वो दंड का पात्र है, हाँ। योगी आदित्यनाथ जी का यही कहना है, यही संदेश उनका है। प्रियंका गांधी कहती है कि नहीं, आप निर्दोष लोग को दंडित कर रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म नहीं है। मैं एक सेकंड बात कहूंगा। ठीक है। चीफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है यहाँ पर स्टेट के, उनका ये कहना मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ कि जो उनकी तपस्या भंग करेगा दंडित किया जाएगा। तपस्या का क्या मतलब, हाँ, है यहाँ? हाँ, अब वो तपस्या का मतलब निकाल लें कि जो हमारे काम में बाधा डालेगा। ठीक है। तो देखिए, बाधा डालना और विरोध प्रदर्शन दो अलग चीजें हैं। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हमारा अधिकार है, बिल्कुल है। और अगर आप इस ढंग से बिहेव करना चाहते हैं कि हम भाई कुर्सी पर हो, हमें कोई जरा सा इधर उधर करे तो हम दंडित करेगा, तो मैं समझता हूँ जवाब तो उनका माकूल दिया। ये बात भी ठीक है कि उनके अपने दिमाग की ऊपर नहीं होगी, और मैं अंदाज लगा सकता हूँ किसने बताया होगा, लेकिन उसका कहना नहीं चाहिए यहाँ पर वो, क्योंकि जगह नेता के पास बहुत लोग होते हैं, और नेता का काम भी है कि हर जगह से जो ज्ञान मिले, हाँ, उसका उपयोग करें। लेकिन अब आप देखिए बात कहाँ चली गई। बेसिक बात शुरू हुई कि कार्यकर्ताओं पर जुल्म हो रहा है। ठीक है। ठीक। और कुछ मामलों में जुल्म, हिंसा की हम निंदा करते हैं,
लेकिन इस स्तर तक जाना कि लोगों को घर पर पुलिस घुस जाए, मिसबिहेव करे, वसूली करने के लिए नोटिस दे, गरीब आदमी भी होगा, सब होगा। देखिए दंगे पहले भी हुए, स्टूडेंट उसमें भी हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई सरकार ये एटीट्यूड बना लेगी बिल्कुल डिक्टेटर वाला कि नहीं कुछ करोगे तो फिर हम डंडा लेके पीट देंगे, ये हमारी लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, मेरी आपत्ति सिर्फ ये है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, यही लोकतंत्र की पहचान है, ठीक बात है, लेकिन अगर वो प्रदर्शनकारी भीड़ में से कुछ लोग ही, अब कहते हैं कि वो बाहरी लोग थे, अगर हिंसक हो जाएं, आगजनी पे उतारू हो जाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने लगें, और कल प्रियंका ने कहा कि 14 साल का मासूम, उसको गोली लगी, और ज़्यादातर मुस्लिम युवकों को गोली लगी, उसमें 16 से ज़्यादा लोग मारे गए, तो ये प्रियंका को ये भी मेंशन करना चाहिए था कि जो 40 या उससे अधिक पुलिस वालों को गोली लगी है वो गोली किसने मारी, दंगाइयों ने मारी, और वो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे उस समय। आपने देखा होगा कि पुलिस ने बहुत रिस्ट्रेन का काम किया, बहुत गोली अगर उस हिंसक भीड़ पर चला देते तो और जाने जाती, जो कि पुलिस ने नहीं किया, तो बहुत इसको दोनों तरफ से निष्पक्ष ढंग से देखना होगा। देखिए इसमें कई चीज़ें बड़ी ध्यान देने लायक, एक बात जो बार बार कही जाती है कि दंगा करने वाले बाहर से आए थे, ओके, तो ये दंगे के बाद जो लोगों को सर्च हो रहा है उसमें लोकल लोग कैसे निकल रहे हैं, अगर बाहर से आए थे तो कहाँ चले गए, तो उसके लिए हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास उसके सबूत हैं, वीडियो सबूत, हाँ, ठीक है। नहीं होगा, देखिए अब आप कर लें, वैसे भी पहले भी अधिकार था कि आप लोगों को पकड़ें, कोर्ट से परमिशन लें और उसको करें, वही एक लोकतांत्रिक तरीका, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ कि जब एक बात पर, और खैर उसका एक अच्छा परिणाम निकला कि अब जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हिंसक नहीं है, लोग ये बात समझ गए हैं, और समझ में आ रही है, और प्रदर्शन देखिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी बातों, हांगकांग में देखिए लगातार क्या हो रहा है इस समय, एक लंबे अरसे से, ठीक है ना, अगर NAA, NRC और NPR पर लोगों को आपत्ति है तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, और पुलिस को या प्रशासन को वो अनियंत्रित ना हो जाए, उन पर उतने स्तर तक नियंत्रण रखने का अधिकार है। मुझे लगता है कि इसमें एक मेरा सुझाव ये था कि जैसे प्रदर्शनकारी एक जगह तय कर ले, उनको अपनी प्रदर्शन क्या मतलब, अपनी बात हमें जनता तक और सरकार तक पहुंचानी है, वो अगर पार्क में बैठ के करेंगे प्रदर्शन तो भी वो बात पहुंचेगी। मैं दिल्ली का एक जगह कहीं देख रहा था कि एक सीलमपुर है, कौन सी जगह नाम में, सीलमपुर, वहाँ लड़के बच्चे महिलाएं सब लगातार धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसी नेता को आने नहीं दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, ये कि आप नेतागिरी करने मत आइए, अच्छी बात है, आपको कोई बात अगर देशवासियों को नहीं समझ में आ रही है, और अब तो देखिए बात कहाँ उड़ गए, और ये बात है, तभी कल प्रधानमंत्री ने हैश ट्वीट करके जो शुरू किया, तो आप इस बात की गंभीरता को समझिए, वरना प्रधानमंत्री इस युद्ध में खुद नहीं कूदते, और उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास एक बहुत बड़ी ट्वीट पार्टी है, उनके पास एक बड़ा आईटी सेल है, तो उसके जरिए वह उस युद्ध को लड़ना चाहते हैं। ठीक बात, देखिए आपने कहा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आज ही खबर है कि जो लखनऊ की हिंसा में जो वकील मारा गया था, उस युवक का नाम वकील था, हाँ। जो कि सामान लेके लौट रहा था, उसको गोली लगी, वो मारा गया, उसके पिता ने आज कहा है कि यहाँ मेरे घर नेता ना आए, उनको भी एहसास हो रहा है कि ये नेताओं के चक्कर में इनोसेंट लोग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप एक बार बताइए कि जो भीड़ थी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बढ़ी आ गई, उसमें 2-3 ही बाहरी शरारती तत्व थे, लेकिन ये मॉब साइकोलॉजी होती है कि उन्हीं शरारती तत्वों में अगर किसी ने ईंटें चलाना शुरू कर दिए तो वहां चाहे वो दूध लेके लौट रहा हो, सौदा लेके लौट रहा है, उस समय वो नहीं सोचता, वो मॉब का पार्ट हो जाता है, वो भी उसमें शामिल हो जाता है, बाद में वो रिग्रेट करता है, तो यही शायद लखनऊ में हुआ, और ये अब मुस्लिम समाज के लोग समझ रहे हैं कि ये हिंसा बहुत गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक तो सारी बात ये है कि मुस्लिम पक्ष को खास तौर को इस बात समझना चाहिए, ठीक बात है, कि वो
एनआरसी के विरोध के आंदोलन को मुस्लिम विरोध का आंदोलन न बनने दें, सबसे बड़ी बात यह है। आप पूरे मुद्दे से हट जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप ये नैरेटिव दे रहे हैं देश में कि शुक्रवार को हम नमाज पढ़ेंगे उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे और फिर दंगा होगा, तो जो मूल मतलब है मैं इस पर अभी नहीं जाता कि कितने लोग प्रभावित होंगे, कौन हिंदू प्रभावित और क्या नागरिकता का क्या अंतिम स्वरूप होगा, एक स्थिति बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मुसलमानों की है कि वो एक मैसेज न दें कि हम मस्जिद से निकल करके प्रदर्शन करते हैं फिर हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि फिर तो जो सरकार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आप अपनी बात कहिए, जोर से कहिए। और देखिए, हमारे यहाँ तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज ऐसी ताकत को जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता दुनिया में, सिर्फ अहिंसा, धरना, प्रदर्शन और अपने अपनी बात पर अड़े रहने की जिद से अंग्रेजों को यहाँ से भगा के भेज दिया। तो आप एक लोकतांत्रिक सरकार को तो आसानी से उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको महात्मा गांधी को फॉलो करना पड़ेगा। आप अदरवाइज दूसरे तरीके मत अपनाएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि प्रियंका गांधी इस समय प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सपा और बसपा इस समय शांत हैं। हाँ। और भाजपा को चुनौती देने के लिए 2022 की विधानसभा चुनाव में प्रियंका अभी से मेहनत कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रियंका को और प्रियंका भाजपा की भाषा में ही उनको जवाब देने की कोशिश करें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन और तब भाजपा पर ही हमला करें, लेकिन सोच समझ के करना होगा, तभी लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। हम नए वर्ष में एक नए मुद्दे और नई समस्या के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। नमस्कार।